आइए फिर से आपका एक बार स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। कभी कभी हमारे पास में होता क्या है कि सब तरह के अलग अलग लक्षण वाले लक्षण जो रहते हैं पेशेंट के, वो एक ही पेशेंट में दिखाई देते। मतलब ऑब्सेशन भी, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, बार बार के विचार है, सेक्स प्रॉब्लम है, मतलब जैसे डर है, ऐसा कुछ ना कुछ अलग सब लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं। मतलब उसको बार बार के विचार भी आते, अच्छे बुरे ख्याल आएंगे, बार 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 वही लक्षण। फिर उसको ये जो पेशेंट अभी मैं बताने वाला हूँ, उसको स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है। मतलब वो बोलने में हकलाता है, अटकाता है, अटकता है, तो वो उसको प्रॉब्लम है। फिर उसको सेक्स का प्रॉब्लम है कि उसको स्पर्मेटोरिया होता है। मतलब कोई भी लड़की देखता है वो, या लड़की के पास में बैठता है तो धातु बाहर आना शुरू हो जाता है। उसको लड़की देखने के बाद में, या कोई भी माँ बहन कोई भी होंगी तो उनको देखने के बाद में उसको बुरे ख्याल आते हैं, बार बार के ख्याल आते हैं उसको, और शीघ्रपतन भी उसको हो जाता है, और बार बार के बेफजूल ख्याल आके उसको बहुत टेंशन और एंग्जाइटी होती है। तो ये देखिए, ये जो मेरे पास में पेशेंट आया, तो उसकी जो कहानी है, उसकी जो स्टोरी है, उसकी जो बीमारी है, उसकी खुद जुबानी आप सुन सकते हैं, सुनिए। क्या क्या तकलीफ है बताओ, जोर से बोलो जरा। सर तकलीफ ये है कि बार बार विचार आते हैं, कंटिन्यू विचार को कंट्रोल नहीं कर पाता, और क्या बोलते गलत, बार बार टॉयलेट लगती और रात को नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, और क्या बोलते नींद अगर आ भी गई तो रात के 1-2 बजे नींद खुल जाती, अगर 9 बजे भी सोया तो 1:30-2 बजे नींद खुल जाती, और क्या बोलते बार बार मुँह यहाँ पे मराठी में बोलते नहीं जम्बाई आती, नींद के लिए नहीं दिन में, यानी दिन में नींद नहीं भी लगी नहीं तो बार बार जम्बाई आती, जब से गोली खाया तब से ये प्रॉब्लम हुई जम्बाई की। और क्या बोलते किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं लगती, इंटरेस्ट नहीं आता कुछ भी करने का, कुछ भी यानी कुछ भी करने का इंटरेस्ट नहीं आता, कुछ भी करने की दिलचस्पी नहीं रहती, और स्टैमरिंग क्या बोलते कंटिन्यू होती, स्टैमरिंग की पिछले बार भी बताया था आपको मैंने, तो स्टैमरिंग कंटिन्यू होती रहती, और सर क्या बोलते स्पम बार बार गिरता है, जैसे कुछ अगर क्या बोलते विचार नहीं भी आए तो भी स्पम गिरता है, और नहीं भी आए फिर भी स्पम गिरता है, और टॉयलेट गए जैसी तो जैसे हमने टॉयलेट हुई है तो टॉयलेट होने के बाद भी ऐसा लगता है कि टॉयलेट हुई नहीं बराबर, तो यानी कंटिन्यू 4-5 बार टॉयलेट जाना पड़ता है, और क्या बोलते थोड़ी सी टॉयलेट नहीं गया अपने पैंट में हो जाती, ये भी एक प्रॉब्लम है, और क्या बोलते घबराहट तो पता है, और किसी की तरफ भी देखने का नज़रिया एकदम अलग है, जैसे कोई लड़की की तरफ देखूंगा तो उसके बारे में कुछ गलत विचार आएंगे, यानी कंटिन्यू विचार आएगा, ऐसा नहीं कि वो यानी कोई वो पर्टिकुलर लड़की अपनी बहन हो माँ हो, ऐसा ऐसी कुछ नहीं, वो यानी कोई भी लड़की या औरत रहे उसके बारे में क्या बोलते विचार अच्छे नहीं आते, और मुझे ये भी याद नहीं रहता कि क्या बोलते जैसे अभी मैं नागपुर से आया, अभी नागपुर से ट्रेन से आया तो मेरे को कितना पैसा लगा, ट्रेन में कितना पैसा लगा, बस में ऑटो में कितना पैसा लगा, ये मुझे याद नहीं रहता। अभी यार जैसे 400-500 रुपये लगेंगे तो अगर मेरे को कोई पूछेगा कि बोलते कहाँ कहाँ पैसे खर्च करके आया, यानी कितने कितने पैसे लगे ट्रेन में, तो मैं बता नहीं पाऊँगा, कि मुझे याद ही नहीं रहता कि क्या बोलते कितने पैसे खर्च हुए करके, और क्या बोलते काम करते करते ये जल्दी थक जाता है एकदम, मैंने अभी अगर काम चालू करूँगा ना तो आधे घंटे में थक जाता है, दिमाग भी थक जाता है, शरीर भी थक जाता है, और जैसे पुराने दोस्तों के बारे में नहीं क्या अपना, जैसे मैं ये इंजीनियरिंग करता था, इंजीनियरिंग में DC हो गया मैं, तो इंजीनियरिंग के जो दोस्त थे मेरे जो पुराने, उन लोगों की रोज उनकी याद आती है, यानी रोज उन्हीं के बारे में सोचते रहता कि वो कैसे होंगे कहाँ होंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, और एक भी सेकंड दिमाग खाली नहीं रहता, कंटिन्यू विचार आते रहते, रात रहे, दिन रहे, सुबह रहे, शाम रहे, और स्पम कंटिन्यू गिरता है, और ऐसे से तो तरक्की नहीं कर पाऊंगा ऐसा मुझे लगता बस, और कुछ तो ये पेशेंट जो है ना ये सब मिक्स है, मतलब इसमें ऑब्सेशन भी है, इसमें सेक्सुअल प्रॉब्लम भी है, इसमें स्टैमरिंग भी है, इसमें एंग्जाइटी भी है, और डिप्रेशन है, ऐसे अलग 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 लक्षण एक ही पेशेंट में। पेशेंट बहुत परेशान है, उसको समझता नहीं है, अलग अलग जगह घूम के आया हुआ है। मेरा काम क्या है, मेरा काम ये पहले है कि उसको सुनना, लिसन करना, सुनना है उसको, और पूरा उसका जो भी कुछ तकलीफ है निकाल लेना, और उसको यह एहसास दिलाना कि मुझे पूरा समझ में आया हुआ है, क्योंकि ये पेशेंट को होता क्या है, उनको लगता है कि भाई डॉक्टर सुनता ही नहीं उनको जो प्रॉब्लम है, हालांकि मुझे मेरे में समझ में आ जाता है कि भाई उसको दवा कौन सी चाहिए, उसको ट्रीटमेंट कौन सी देनी चाहिए, मेरे को पहले 2 मिनट में मालूम पड़ जाता है, मगर तभी भी मैं सुनता हूँ, सभी को पूरा सुनता हूँ, जितना उनको बोलना है उतना पूरा सुनता हूँ, और बाद में फिर उसको एडवाइस करता हूँ कि भाई उसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं, मेडिकेशंस, कि जो मेडिकेशन देने के बाद में जो उसका मन अस्थिर है, चंचल है, रेस्टलेसनेस है, घबराहट है, बार बार विचार जो आते उसको शांत करेगी ऐसी दवाइयाँ हैं, और उसके साथ साथ फिर उसको सम्मोहन उपचार है, हिप्नोटिज्म है,
तो वो भी हम उसको हिप्नोथेरेपी उसको देते हैं और हिप्नोसिस से उसका इलाज करते। उसके साथ साथ साइकोथेरेपी है, काउंसिलिंग है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, तो ऐसे आरईबीटी है, ऐसे अलग अलग जो उसको लागू होती है वो उसको थेरेपी देके उसको अच्छा करते हैं। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ये वीडियो जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसे मिक्स पिक्चर है, मिक्स बीमारियाँ हैं, उनको समझ में आता नहीं क्या करना है, उनको जरूरी फ़ायदे का हो जाएगा। आप जितने लोगों को शेयर कर सकते हो उतने लोगों को शेयर करो। हमारा जो उद्देश्य है, मिशन जो हमारा है कि भाई सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।